प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासियों को प्रदेश में कई योजनाएं संचालित कर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों को मिलने वाले राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले दुकान संचालक पर कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाके में जिम्मेदार लापरवाह बनकर तमाशबीन बने हुए हैं। बता दें, तमाशबीन की तरह वो ये सारा तमाशा देख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी से सामने आया है, जहां ग्राम एरावन में संचालित प्राथमिक सहकारी संस्था के नाम से संचालित उचित मूल्य की दुकान से ग्रामीणों को पात्रता के अनुसार राशन वितरण नहीं किया जाता। इस पंचायत में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। अन्य गरीब हितग्राहियों के साथ साथ आदिवासी परिवारों को राशन की मात्रा एक महीने में 24 किलो कार्ड के हिसाब से वितरण होती है, जबकि पात्रता पर्ची में 35 किलो राशन लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, शासकीय योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन भी जो है ये लोग हर महीने डकार जाते हैं। दुकान पे तो क्या राशन कितना मिल गया? राशन 25 किलो। मतलब 25 किलो में क्या क्या मिला है? हमारा मिले हैं 2 किलो और 3 पसी गेहूं। और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। तो यहाँ पे क्या बस एक ही महीने का सामान दिया है? तो तुमने कहा नहीं इनसे, दुकान वालों से? तो फिर दुकान वाले क्या कह रहे हैं? हमारे सभी लोग परेशान हैं और एक एक महीने का दे रहे हैं राशन। मतलब राशन पूरा नहीं दे रहे? पूरा राशन नहीं दे रहे। 33 किलो मिलता है तो 25 किलो दे रहे हैं एक महीने का, और जो मोदी जी की तरफ से आता है उसको भी वो हड़प रहे हैं। अरे कंट्रोल तो पब्लिक परेशान है, वो इनने दे दिया 2 दिन पहले कंट्रोल करी थी, तो बाकी लोग ले गए हैं एक ही महीने का ले गए। बाकी हमको नॉलेज है कि ऊपर से योगदान वाला भी है वाला मोदी जी की तरफ से, तो आप एक महीने का राशन दे रहे। मतलब एक एक महीने का राशन दे रहे हैं? 2 महीने का नहीं दे रहे, बराबर नहीं दे रहे।